बट इनका लंच बॉक्स देखो कितना डिफरेंट है। आप अपना यहाँ पे साइज बनवा भी सकते हो हाथ के हाथ। और ये दीवार में टांगने के लिए वॉल प्लेट है सर। So guys, क्या आपको भी हैंडीक्राफ्ट हैंडमेड प्रोडक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है? So, मैं आपके लिए अमेजिंग सी जगह लेके आया हूँ जहाँ पे लगा हुआ ऐसी चीजों का एग्जीबिशन। So, welcome back to my YouTube channel, Your Silly Talk, जहाँ मैं डालता हूँ डेली वीडियो आपके लिए related to events, food, cafes, travel and social markets। आज मैं लेके आपको दिल्ली के एक अमेजिंग से एग्जीबिशन है जहाँ पे आपको ये सब चीजें मिलेंगी। क्या क्या मिलेगा, क्या प्राइसिंग होगी, वो सब एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये है नेचुरल बाजार और इस इवेंट का नाम है बसंत 2024। यहाँ पे हम सब एक्सप्लोर करने वाले हैं। लोकेशन वैसा बताने वाला हूँ, ये बताता हूँ मेहरोली में, बट एक्जैक्ट लोकेशन क्या है, यूएस मेट्रो स्टेशन क्या है, वो सब हम एंड ऑफ द वीडियो में देखेंगे। सो टू लास्ट एंजॉय करना, लाइक कर दो वीडियो अभी क्योंकि बाद में भूल जाओगे, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ऐसी बहुत सारी इनसाइटफुल वीडियोस की। तो अपना टूर स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप यहाँ से जैसे ही ऊपर आओगे आपको दिखेगा ये वेन्यू एंड इसी के सामने है ये नेचुरल बाजार पार्किंग। ठीक है, यहाँ की पार्किंग है, आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो, बाइक भी है एंड गाड़ी की भी पार्किंग है। नाउ लेट्स गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर एवरीथिंग आउट। सो गाइस, यहाँ मैं एंट्री पहुंच गया। एंट्री पास से मैं आपको डेट बता दूं, ये 18-19 फरवरी के बाद, जब ये ब्लॉग देखेंगे उसके दो तीन बाद, उसके दो तीन दिन और बाद तक आप ये देख सकते हो पूरा इवेंट। यहाँ टिकट भी आई गेस टिकट प्राइस देख। सो गाइस, यहाँ पे टिकट एंट्री टिकट इट्स लाइक 40 रुपीज पर पर्सन। ठीक है, आपको एंट्री लेते ही यहाँ पे मिल जाएगा टिकट काउंटर। तो आप देख लो यहाँ पे, ये बच्चों के 5 साल तक के बच्चों के लिए फ्री है और फिर 40 रुपीज आपकी लग रहे हैं टिकट चार्ज। सो गाइस, यहाँ एंट्री लेते ही आपको यहाँ दिखता है सबसे पहले प्लांट की शॉपिंग, मतलब आप अपने पूरा नेचुरल बाजार है ना, आप समझिए नेचुरल बाजार क्यों बोल रहे हैं इसको। देखो कुश्ती आपको यहाँ प्लांट्स की शॉप मिल रही है एंड यू कैन बाय प्लांट्स ऑल्सो। यहाँ से फुल अमेजिंग कलेक्शन है, लाइक पूरी नर्सरी टाइप। और भाई अच्छे से बेबी प्लांट की है क्या भैया, इसकी क्या प्राइसिंग होगी? अच्छा लिखा है 4250। और इसका गणेश जी वाले का सेम है, अच्छा 4250। अच्छा ऐसे रेडी से है, ये बहुत सही लग रहे हैं, अच्छे 2500 रुपए का, 450 रुपीज का ये। अरे बोंजोई है, हाँ ये बहुत अच्छे से सेट हो रखे हैं, मतलब पूरा सेटअप सा लगा हुआ है, ये देखो सुंदर है यार, ये मतलब बना रखा बड़ा सुंदर है। ये देखो ये पूरा घर का सेटअप कितना सुंदर लग रहा है, ये सेटअप अच्छे लग रहे हैं। और ये देखो भाई कितने बड़े बड़े बोंजोई, ये देखो ये सेटअप कितना सुंदर है, पूरा गार्डन और ये लॉन वाला सेटअप बना रखा है, इन्होंने सेटिंग वेटिंग करके पूरा गार्डन सेटअप है ये। सो गाइस, ये देखो आपने पुणे ने आपको दिखाया ना गार्डन वाली शॉपिंग, आप यहाँ से कर सकते हो पूरी, लाइक प्लांट से प्लांट है यार यहाँ पे। एंड इसके बाद हम मिलते हैं मेन जो स्टार्ट है ना बाजार की, ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है पूरा बाजार, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस एंटायर बाजार। ये इन्होंने स्टेट्स का भी लगा रखा है, ये मतलब डेकोर मिल रहा है यहाँ पे आपको सारा वेस्ट बंगाल का, 100 रुपीज फ्रॉस्ट ग्लास होता है, अच्छा ब्रेकेबल होगा ना, मतलब सॉलिड होता है। कोई चीज़ ना, मैं नेक्सस पे आया हूँ, देखो यहाँ पे ना आपको बड़े डिफरेंट सा डेकोर मिल रहा है, ये सारा ग्लास डेकोर है, दिस इज वेरी 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 डिफरेंट, मतलब अनयूजुअल डेकोर है। हाँ एग्जैक्टली, अच्छा ये इतना छोटा है, ये देखो ये इतना छोटा डेकोर है, मिनी डेकोर बोलते हैं इसे, टिनी अगर आपको लेना हो ऐसा कुछ डिफरेंट सा, अगर ये एग्जीबिशन से भी ना लेना हो वैसे भी, तो इनका कार्ड है ये रहा, अजय कुमार जी का है। तो भाई जब मैं नेक्स्ट शॉप में आऊँ ना, यहाँ पे पूरी कलेक्शन है किस चीज़ की भैया, ग्रास सोबाए की, अच्छा तो ये पूरा डेकोर है, मतलब डेकोर भी है ना, यूजफुल चीज़ें भी हैं ये, तो आपको सारी डेकोरेशन आइटम आ गई। ये बैग्स है, बैग्स कितने प्राइसिंग है? 1250। अच्छा तो बड़ा सुंदर है यार ये, तो लैपटॉप वगैरह इंपॉर्टेंट पीस भी आ जाएंगे। अच्छा मतलब सॉलिड होते हैं ये, टूटते उठते तो नहीं है? अच्छा, और वैसे स्टार्टिंग तो चालू कितने से सबसे सस्ता? देख का मतलब इससे छोटा साइज है ये आपका जो आएगा 950 आएगा, इसका प्राइस है। अच्छा 950 है ये? जी सर। और ये दीवार में टांगने के लिए वॉल प्लेट है सर, तो इसका प्राइस है 750 है, इससे भी छोटा है 550 है, 420 है। 420 का सबसे छोटा, ऐसे दीवार पे टांगने वाली डेकोरेशन होगी? जी सर। ये सुंदर लग रहा है, नजर टाइप वाला लग रहा है ये वाला। और सबसे कवर वाली चीज़ है इनके पास वो है ये कोस्टर्स, ओनली 20 रुपीज पर पीस। सो ये इनकी इंटायर कलेक्शन है, बहुत अच्छी कलेक्शन लग रही है। ये देखो यहाँ पे भी है
यानी पूरी शॉप में भी है। अगर यहाँ पे स्टॉल में इनके नंबर दिखाता हूँ, अच्छा ये रहा भैया का नंबर, अगर आपको वैसे कुछ सामान लेना है ना, अच्छा ये वुमेन्स हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है, तो आप इनको कर सकते हो कॉन्टैक्ट। सो गाइस मैं ना नेक्स्ट शॉप पे आया हूँ, यहाँ पे है अच्छा भगवान दास रेगा लिखा, वैसे वर्मा बोल रहे हैं अंकल, ये राजस्थानी का सामान है, देखो आप अपना यहाँ पे साइज बनवा भी सकते हो हाथ के हाथ ना, ये देखो ये लाइव बना रहे हैं। कितने लग जाती है बनवाने में? 10 मिनट। अच्छा 10 मिनट बना देते हो, कोई भी साइज आपने 10 मिनट बनवा सकते हैं इनमें से, मतलब अपने कम्फर्ट के हिसाब से। नाइस, क्या स्टार्टिंग होती है, चालू कितने से? 0 नंबर की 500 रुपए, सबसे कम 500 रुपए से चालू है। ये देखो कितने डिफरेंट मिरर्स हैं डेकोर वाले, बहुत अनयूजुअल प्लांटर्स, ओ भाई कितने सुंदर है प्लांटर्स। अच्छा ये फेक रोज भी है यार, ऐसे रोज देते रोज डे पे तो रोज खराब भी नहीं होता, बहुत डिफरेंट कलेक्शन है यार, रोज कितने प्यारे हैं यार। इनके ब्रांड का नाम है ये खाकी डोरी। यहाँ पे आपको कपड़े भी मिल रहे हैं, प्रॉपर कलेक्शन है, लाइक साड़ी वाड़ी सूट वूट ये चुन्नी वुन्नी ये सारी कलेक्शन है कपड़ों में भी आपके पास, और अच्छी खासी ऑप्शन है। देन दिस इज लाइक ज्वेलरी ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। सो गाइस ये ना बहुत अनयूजुअल कलेक्शन है, बहुत डिफरेंट, बहुत सुंदर कलेक्शन जो आपको यूजुअली मार्केट्स में नहीं मिलेगी, एंड ये बहुत बड़ा है, लाइक आगे भी अभी यहाँ पे भी अभी आगे भी यहाँ फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट में सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे खाने पीने के। आई एम नॉट गोइंग देयर बट हाँ ऑब्वियसली इफ यू आर कमिंग एंड यू आर प्लानिंग सो आप फूड कोर्ट भी प्लान कर सकते हो। इसके अलावा देखो फर्नीचर के ऑप्शंस भी रखे हुए हैं जो ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट, देखो सुंदर कलेक्शन है। ये कितने वाले हैं? 650 वुड पे है, ये वुड पे है। एसेंशियल ऑयल, मोगरा अदर और मिट्टी अदर, जो गिली मिट्टी होती है उसकी सौंधी खुशबू आती है। ये आप अपना ब्रांड है? हाँ खुद का मैन्युफैक्चर, 60-70 ईयर ओल्ड। अच्छा आपका खुद का ये प्रोडक्ट है, एक बार ट्राई करके देखिए। स्मेलिंग लाइक बारिश की मिट्टी, मोगरा आई हैव ट्राइड बट बारिश की मिट्टी इज डिफरेंट, मोगरा भी डिफरेंट है आपका। नाइस प्रोडक्ट, नेचुरल है। अच्छा नेचुरल प्रोडक्ट है आपके? नेचुरल है, ये प्रोसेस है स्टीम द्वारा, और जैसे सनलाइट से हम पहले फ्लावर तोड़ते हैं, उसके बाद इकट्ठा करते हैं, फिर ग्राउंड वाटर के साथ पॉपर में डालते हैं, फिर स्टीम द्वारा उसको डायरेक्टली यहाँ पर हमारा गर्म होके ड्रॉप्स में वो इकट्ठा होके डायरेक्टली यहाँ पर। ये सेंसिटिव स्किन के लिए, एक्ने के लिए, और जैसे जैस्मिन और मैरीगोल्ड का काम ही वही होता है सेंसिटिव स्किन के लिए। सो गाइस इनके ना प्रोडक्ट्स बहुत डिफरेंट एंड इट्स नेचुरल, दे आर टेलिंग कि ये सारा प्रोसेस भी लिखा हुआ है, एंड दिस इज देयर कार्ड, ठीक है, आप स्कैन भी कर सकते हो डायरेक्टली इंस्टाग्राम इनका, एंड दे कैन ऑर्डर, वेबसाइट वगैरह होगी आपकी, राइट? ओके थैंक यू, मीन प्रोडक्ट्स आर नाइस, मतलब स्पेशली गीली मिट्टी इज वेरी डिफरेंट, एंड हाउ मच इज दिस फॉर? 699। बहुत डिफरेंट है ये गीली मिट्टी, इसके बेनिफिट्स हैं जैसे एक तो अर्थ से रिलेटिव है, वो रिलैक्स के लिए, दूसरा जिनके नोज से ब्लड निकलता है उनको इनहेल कराने के लिए उसमें भी बेनिफिट है। ओके जो मैं नेक्स्ट शॉप पे आऊंगा ये बहुत डिफरेंट है, अनयूजुअल शॉप है। देखो यार यहाँ पे ना जो कलेक्शन जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो जैसे कि फॉर एग्जांपल लंच बॉक्स, बट इनका लंच बॉक्स देखो कितना डिफरेंट है, मतलब आज जस्ट ये सोचो कि अगर आप इनको यूज़ कर रहे होगे तो कितना डिफरेंट लगेगा, एंड दिस इज़ फॉर लाइक 1350, बट दिस इज़ वेरी अनयूजुअल थिंग। एंड ऐसी जो इनकी सारी कलेक्शन है, देखो ये आपके डॉग्स के लिए, देख रहे हो आप डॉग्स के लिए भी शॉपिंग कर सकते हो यहाँ पे, ये मिल रहा है आपको 500 रुपीज़ पर पीस में, मतलब 500 रुपये का है। ऐसी आपकी जो यूजली एसेंशियल्स होते हैं जैसे चम्मच हो गए, ठीक है, ठीक है, कटोरियाँ हो गई, ये देखो छोटे छोटे गिलास हो गए, इवन तो बड़े गिलास हो गए, ये सब आपको इस तरह की कलेक्शन होते हैं। केतली देखो यार, एंड क्वालिटी भी अच्छी है, हैवी क्वालिटी है, ये देखो
प्रिंटेड यार, कितनी सुंदर है यार। ऐसी आपको सारी कलेक्शन मिल रही है, सब कुछ जो आपकी डेली एसेंशियल्स होते हैं ना, इवन दो डेकोर, ये सब आपको इस टाइप का मिल रहा है। बहुत सुंदर कलेक्शन है, आपको एक बार इनकी कलेक्शन का टूर लगवाते हैं। भाई ये बहुत अनयूजुअल मार्केट है, बहुत सुंदर मार्केट है, मतलब मुझे जनरली पसंद आई है। यहाँ पे ना जो भी सोच सकते हो डेकोर तो बहुत डिफरेंट है, और देखो कॉकटेल्स में कैसा, और ये सब भी है देखो वुडन आपको डेकोर, ये सब खाने के सामान, ये बेसिकली दे हैव एवरीथिंग हियर। ये देखो यार साड़ी कितनी अनयूजुअल एंड डिफरेंट लग रही है, और दे हैव ज्वेलरी ऑप्शंस, दिस काइंड ऑफ लाइक पिगी बैंक। हाउ मच इज दिस फॉर? 330। ये हमने ये वाली साइड पूरी एक्सप्लोर करी है और हम निकल के आए हैं यहाँ से। अब हमारा ये वाला पूरा सेक्शन रह गया, सो यू कैन आल्सो एक्सप्लोर दिस साइड ऑफ द मार्केट। यहाँ पे घुसते आपको मिलती सारी क्रॉकरी, एंड दिस द एंटायर क्रॉकरी यू कैन बाय। एक बार स्टार्टिंग रेंज पूछ लेता हूँ फोर यार, कप्स की स्टार्टिंग कितनी है भाई? 150 ये वाले। अच्छा ठीक है, ये एंटायर कलेक्शन है क्रॉकरी की यहाँ। अगली शॉप देखो, ये देखो कितनी अमेजिंग कलेक्शन है। 1600 का सिंगल है, मेटल बेस पे है ना, ये वही हैवी लग रहा है, मैं तो लगा पहले बहुत हल्का है। सो गाइस इनके ना फर्नीचर भी ये देखो, ये 8000 रुपए से चालू है, बहुत सुंदर है, बड़ी अनयूजुअल चीज है जो मैंने आज तक आई गेस कहीं देखी नहीं होगी, मैं कितनी फर्नीचर मार्केट से हूँ। एंड दे हैव दिस एंटायर डिफरेंट कलेक्शन, चाहे वो फ्लावर्स देख लो, डेकोरेशन ये नैपकिन होल्डर में यूज कर सकते हो, डेकोरेशन सामने ये देखो, मतलब एवरीथिंग इज रेडी। आप खुद बनाते हैं ये? हैंडमेड है सारा, बहुत सुंदर है, बहुत अलग है। ये देखो ये डेकोरेशन आ गई, दिवाली बार के लिए यूज हो जाएगी ये टेबल है ना, कलर कलर। अच्छा सो गाइस अगर आपको ऐसे कलेक्शन लेनी हो ना, अगर आप यहाँ नहीं भी आ सकते तो वैसे आप दे सकते हैं ना, ठीक है। इसमें इनकी सारी डिटेल्स है, ये देख लो, ठीक है, पीछे नहीं गई है सारा। यार बहुत सुंदर कलेक्शन थी उनकी, मतलब यहाँ ना आपको इतनी डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन देखने की मिल रही है, जिससे मैंने अगर देखी नहीं होंगी। अब ये देखो डायरीज वगैरह, ये डायरीज वगैरह की भैया चालू कितने की है? 350-300 की आपको यहाँ डायरीज मिल रही है, और ये पूरी फैंसी वाली डायरीज है, ठीक है। ये आपका हो गया शायद वही कार्ड होल्डर एंड वो सब, ये भी 300 के आसपास है चीज़ें। ये देखो डिफरेंट डिफरेंट, अच्छा ये उसके लिए है ईयरफोन्स के लिए। सारे कॉर्नर्स हमने कवर कर लिए, अभी बीच वाले सेक्शन में आऊँ, बिल्कुल मिडल ऑफ द मार्केट। एंड गाइस पहली बात तो मुझे भाज देखने में लग रहा था छोटी सी मार्केट होगी, बट ये तो बहुत बड़ी मार्केट है। एंड यहाँ पे सारे कपड़े ही कपड़े हैं बीच में, इफ़ यू आर कमिंग इन बिटवीन ना, मतलब बिल्कुल मिडल ऑफ द मार्केट, तो यहाँ हमको कपड़े कपड़े अमेजिंग, लाइक बहुत सुंदर कलेक्शन है। मुझे एक्सपेक्टेड था नहीं कि इतनी सुंदर मार्केट है। देखो यार कलेक्शन देखो, ये देखो बहुत सुंदर मार्केट है यार, देखो यार ये इतने सुंदर है यार कलेक्शन। ये देखो यार यहाँ पे अपनी सेल्फी ले सकते हो, देखो मैं आता हूँ सामने, ये देखो ये आपका सेल्फी पॉइंट बना रखा है इन्होंने, कितना सही लग रहा है। सो गाइस मैं आ गया हूँ एंड में, ये देखो आपको यहाँ ये पूरा स्टोन कलेक्शन है, मार्बल कलेक्शन, मार्बल कलेक्शन की जो डेकोरेशन का भी सामान मिल रहा है, जैसे रोज पेटल्स भर के आप रख सकते हो इनमें, कितना सुंदर। अब मैं आपको एक बात और बता दूँ, अगर आप यहाँ सामान ले रहे हो ना, ये देखो ये ऐसे पेमेंट काउंटर होते हैं, ठीक है, सो आप हर काउंटर पर सामान ले सकते हो, और वो आपको पर्ची दे देंगे आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद संडे क्या रहता है कि आप वो पर्ची लेके पेमेंट काउंटर पे जा सकते हो, यू कैन पे इकट्ठा, ठीक है, ये फंडा यहाँ पे रहता है। बाकी देखो बहुत अनयूजुअल मार्केट है, बहुत सुंदर कलेक्शन है, मैं तो कहूँगा आओ 100% आओ, इतनी ऐसी ऐसी चीज़ें ना, मतलब यूनिक चीज़ें, यूनिक कलेक्शन है, लाइक बहुत सुंदर लगेगा। सो इस ब्लॉग के लिए इतने रखते हैं, होपफुली आपको बहुत मजा आया हुआ देखते हैं, अगर आपको मजा आया ना तो लाइक कर दो वीडियो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ऐसे बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस के लिए, एंड डू शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हो आपको मैं कल, टिल देन बाय। सो गाइस लोकेशन की बात करूँ तो देखो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा आपको मेहरोली, ठीक है, मेहरोली मेट्रो स्टेशन आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। उसके अलावा जो एग्जैक्ट लोकेशन है ये नेचर बाजार, ये जगह का नाम है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे नेचर बाजार तो आपको आराम से लोकेशन मिल जाएगी। बाकी आप लोकेशन देखो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना, गूगल मैप लोकेशन भी डाल दूंगा, सो दैट आपको इधर उधर घूमना ना पड़े, आप इधर क्लिक करके डायरेक्ट लोकेशन पे पहुंच सको। सो हाँ मैं ये बताना भूल गया था, मुझे याद है, अरे ये तो बताना है मुझे। अब मैं मिलता हूँ आपको कल, टिल देन बाय बाय।